फिर मैं सर्दी खाऊंगी। चलो सही है, मैं आपको सुनाती हूँ। फिर एक ना एक कैट होती है, उसके दो बेबीज होते हैं। कितने बेबीज होते हैं? टू टू बेबीज होते हैं। उनको कहती है मैं आप दोनों को ना स्टोरी सुना, मैं आप दोनों के लिए ना वो खाना लेने जाती हूँ, तो आप लोगों ने ना हाँ बाहर नहीं निकलना, ठीक है? वो कहते हैं अच्छा। कहते हैं मामा आप कब तक आएंगी? तो वो कहती है मैं ना जल्दी आ जाऊंगी, आप लोग ना वेट करना, जल्दी आ जाऊंगी। तो ना दोनों बच्चे जो है ना बड़े चलाक होते हैं, वो ना मामा पापा जो कहते हैं ना वो उसको फॉलो ही नहीं करते, तो अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो वो ना जो ही मामा निकलती हैं ना, तो ये दोनों बच्चों का नाम होता है, एक का नाम कोटो होता है, एक का नाम मोटो होता है। हाँ, कोटो मोटो को कहती है चलो ना हम लोग ना, मामा को कौन सा पता चलेगा, तो हम लोग ना जाते हैं और जाके ना हम लोग खेलते हैं। कहती है कोटो कहती है ना हम लोग नहीं जाते, अगर हम लोग जाएंगे ना, मेरी बात सुनो, अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होएगा कि ना अगर हम लोग चले जाएंगे ना तो मामा मना करके गई हैं, तो फिर ऐसे होएगा हम लोग ना गुम ना हो जाए। वो कहती है, उसकी मामा कहती है वो कोटो कहती है नहीं नहीं हम नहीं गुम होते, मामा को उस आदमी कौन सा पता चलेगा, हम आगे भी तो चले जाते हैं ना। वो कहती है नहीं मामा आज समझा के कही है कि बच्चों आप लोगों ने नहीं जाना, हमें मामा की बात माननी चाहिए। तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं होता, हम मामा के आने से पहले ना आ भी जाएंगे जल्दी जल्दी। तो कहती है चलो ठीक है। वो दोनों जब बाहर निकलते हैं ना, तो साथ वाले घर में ना भेड़िया रहता है, भेड़िया नहीं होता जो वुल्फ होता है वो होता है, वो फटाफट आके उनको पकड़ के तो ले जाता है। वो इतना रोती हैं कोटो और मोटो, मामा मामा हमें बचाएं, मामा मामा हमें बचाएं, लेकिन उनकी मामा ही नहीं घर होती और उन्होंने मामा की बात भी नहीं मानी होती क्योंकि मामा तो मना करती हैं उनको। कहती हैं कोटो मोटो कहती हैं अब हम क्या करें, मैंने मना भी किया था ना तुम्हें कि हम नहीं जाते। तो कहती है अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता था कि हमें आके भेड़िए ने ले जाना है। तो वो ना जब उनकी मामा घर आती हैं कैटो बेगम, तो वो आके कहती है कोटो मोटो मैं खाना लेके आई हूँ, कोटो मोटो मैं खाना लेके आई हूँ। वो ऐसे कहती है तो घर में बच्चे ही नहीं होते, आवाज़ ही नहीं आती कहीं से। कहती हैं मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं, मैंने तो उनको कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना आपने। तो वो ना आवाज़ें बड़ी ज़्यादा देती है लेकिन वो लोग ना सुनते नहीं हैं, तो क्योंकि घर में कोई बंदा ही नहीं होता। कहती कोटो मोटो मैं आ गई हूँ, कहाँ छुपे हो आप लोग? तो कोटो मोटो घर ही नहीं होती, वो ना रोना शुरू कर देती है, आए मेरे बच्चे, आए मेरे बच्चों को कोई ले गया, हाय अल्लाह मेरे बच्चों को कोई ले गया है, कि मेरे बच्चों को ना मैं तो घर छोड़ के गई थी। फिर उसके जहन में ना एक आइडिया आता है कि साथ वाले घर में तो भेड़िया रहता है, कहीं ये ना हो कि वो जो भेड़िया है वो ना मेरे बच्चों को ले गया हो। तो वो ना साथ वाले घर में जाके ना नॉक करती है, दरवाज़ा नॉक करती है तो भेड़िया बाहर निकलता है। कहती है ठहरो, वो ना नॉक करती है तो भेड़िया बाहर आता है, उसको कहती है भेड़िए भेड़िए आपने ना मेरी बच्चे देखे हैं? वो कहता नहीं मेरे घर तो नहीं आए हैं, झूठ बोलता है ना। तो वो जो है ना कहता है, कैटो कहती है नहीं वो इधर ही हैं, मुझे लग रहा है। पीछे से बच्चों के रोने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, मामा मामा मामा। कहती हैं ये तो मेरे बच्चों की आवाज़ है, ये तो मेरे बच्चों की आवाज़ है। कहती है भेड़िए भेड़िए आपने तो मेरे बच्चे छुपाए हैं। कहता है नहीं 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 मैंने नहीं छुपाई है, किसी और के बच्चों की आवाज़ है। कहती है नहीं ये मेरे बच्चों की आवाज़ है। बच्चे बाहर आ जाते हैं, कहते हैं मामा मामा मामा। वो कहती है बच्चे मेरी कोटो मेरी मोटो, ऐसे कहती है। तो बच्चे फिर बाहर आ जाते हैं, तो वो उसकी जो कोटो मोटो कैटो है ना, वो कहती है आपने मेरे बच्चे छुपाए थे, ये कोई अच्छी बात है? वो अब भेड़िए को पता चल जाता है कि अब इसको पता चल गया। कहती है मैं इस वजह से छुपाए थे आपके बच्चे क्योंकि आपके जो बच्चे हैं ना वो एक तो मेरी बात नहीं मानते,
मुझे तंग बड़ा करते हैं, मैं जब सो रहा हूँ तो शोर करते हैं। दूसरे नंबर पे मेरे घर के आगे आके खेलते हैं, मैं इनको मना भी करता हूँ कि अपने घर जाके खेलो, लेकिन ये मेरे घर आके हमेशा खेलते हैं। तो ना फिर क्या होता है कि वो ना उनको मना कर देती है, कहती है कि अब आइंदा से ना आप लोगों ने ना कभी भी भेड़िए के घर नहीं जाना। और आपको पता जो बच्चे मामा पापा की बात नहीं ना मानते, फिर उनके साथ यही होता है, उनको कोई ना कोई पकड़ के ले जाता। फिर बच्चे अपनी मामा से ना वो सॉरी करते हैं, कहते हैं मामा हम आइंदा से कभी भी आपकी बात जो है ना वो ऐसा नहीं होगा कि आपकी बात ना माने, हम हमेशा आपकी बात मानेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए हम आपकी बात लाजमी मानेंगे। कहते हैं चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो फिर वो हैप्पी हैप्पी घर चले जाते हैं। और भेड़िया जो है ना वो फिर इतना ज़्यादा ना वो शर्मिंदा होता है कि मैंने झूठ बोला था, तो फिर भेड़िया भी अपने घर चला जाता है। इसलिए आप भी ना अपने मामा पापा की ना हर बात माना करें। अच्छा आप बात तो बाहर नहीं निकलती, बाहर नहीं निकलती, लेकिन घर में भी सब बच्चों को ना अपने मामा पापा की ना बात जो है ना वो लाजमी माननी चाहिए। जो बच्चे बात नहीं ना मानते फिर आपको पता ना उसके साथ क्या होता है। एक और कहानी सुनाऊं? अच्छा एक ना वो होता है ऐसे रखे सर, क्या होता है? एक होता है टर्टल और एक होता है रैबिट। जो टर्टल होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता ना चलता है, रैबिट तेज तेज चलता है। रैबिट ना जो होता है ना वो उसको टर्टल को कहता है कि ना आओ आपने ना मेरे साथ रेस लगानी है, मैं तो आपसे ना जीत जाऊंगा। वो कहता है आप मेरे से जीत जाओगे? कहता है क्यों आप मेरे से जीत जाओगे? कहते हैं आप तो इतनी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और मैं तो तेज तेज चलता हूँ। तो कछुआ कहता चलो रेस लगा लेते हैं आओ ज़रा। वो कहता चलो लगा लेते हैं। उसको रैबिट को होता है कि मैं तो तेज तेज भागता हूँ तो मैं तो जीतूँगा ही जीतूँगा, और ये जो है ना ये हार जाएगा। अच्छा रैबिट जो है वो भागी जाता है इतनी तेज तेज भागी जाता है, इतनी तेज तेज इतना भागता। तो ना आगे जाके ना रैबिट थक जाता है, और कछुआ राम राम से जो टर्टल होता है वो राम राम से चल रहा होता है, क्योंकि उस बेचारे की इतनी रेस नहीं ना होती। तो वो कहता है चलो मैं राम राम से चलता हूँ। तो फिर वो ना जब राम राम से चल रहा था ना वो जो कछुआ था तो राम राम से चल रहा था, तो जो रैबिट होता है वो तेज तेज चलता है। आगे जाके ना उसके जहन में एक आइडिया आता है, कहता है कछुआ तो इतनी आहिस्ता आहिस्ता चलता है तो मैं ना ऐसे करता हूँ कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, मतलब कछुए ने तो अभी वो टाइम लगाना है, तो मैं ना ऐसा करता हूँ मैं रेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं जब तक वो आएगा कछुआ आएगा तब तक तो मैंने उठ भी जाना है सो के, तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ। ये अच्छी बात है ना, मैं थक गया हूँ इतना इतना ज़्यादा चल चल के। तो क्या होता है कि ना वो जो होता है ना कछुआ हाँ वो राम राम से चल रहा होता है और रैबिट सो जाता है। अच्छा आगे चल के क्या होता है वो ना जो रैबिट होता है उसकी ज़्यादा ही आँख लग जाती है, है? ज़्यादा जब आँख लग जाती है तो जो कछुआ होता है वो आगे से गुजर जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि उसको तो नहीं पता होता कि ये सोया हुआ है। वो आगे पहुँच के वो आगे निकल जाता है और अपनी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे इन्होंने रेस का वो रखा होता है ना कि इस जगह पे पहुँचना है। वो कहते हैं मैंने रैबिट ने तो कहा था मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन रैबिट तो अभी तक नहीं पहुँचा, ये है रो सही। वो ना रैबिट की जब आँख खुलती है तो वो कहते हैं अभी तक कछुआ नहीं, वो भागता है भाग भाग के पहुँच जाता है उस जगह पे तो कछुआ आगे ही बैठा होता है, क्योंकि कछुआ राम राम से चल रहा होता है लेकिन वो रेस जीत जाता है। तो वो फिर जो रैबिट होता है फिर बड़ा ज़्यादा ना वो होता है हाँ बड़ा शर्मिंदा होता है कि मैंने तो समझा था कि मैं इससे जीत जाऊँगा,
लेकिन ये क्या हुआ, ये तो मैं हार गया। तो वो ना उसे जाके कछुआ कहता है, देखा कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता काम करें लेकिन अच्छा काम करें तो आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। लाजमी नहीं है कि आप तेज़ तेज़ काम करेंगे तो अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, आप आहिस्ता काम से भी ना अपनी मंजिल पे ना इजीली पहुंच सकते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि सुकून से इत्मीनान से काम करें और अपनी जगह जो है ना वो पहुंच जाएं। इसका मतलब होता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई भी काम जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी करेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। आप भी आराम आराम से करें लेकिन अच्छा काम करें, ठीक है? ठीक है, कौन मैंने आपको टू स्टोरी सुना तो दी है, बाप सुनाओ ना मुझे, मामा को भी तो कभी सुनानी चाहिए ना स्टोरी बच्चों को। कोई सी भी सुना दें आप, चिड़िया और कोको वाली सुना दें। अच्छा होती अच्छा उनकी मामा कहती है कि ना बच्चों मैं बहुत दूर ना खाना लेने जा रही हूँ, आप लोगों ने ना बाहर नहीं निकलना। अच्छा तो वो जो बच्चे होते हैं ना वो हाँ समझ जाते हैं, फिर जो जब क्या समझ जाते हैं? कि बाहर नहीं जाना, तो जब उनकी मामा बहुत दूर चले जाती है ना तो वो ना बाहर के होते हैं, वो ना वो जो होता है ना, नहीं बच्चों का नाम क्या था, आप बताओ स्टोरी, आप बता रही हो मुझे क्या पता। बच्चों का नाम था, एक का नाम था मिंकी, एक का नाम था टिंकी। मिंकी और टिंकी। हाँ अच्छा जो मिंकी था ना वो अच्छा बेबी था, और अच्छा जो टिंकी था ना वो बहुत शरारती था। अच्छा जो टिंकी था ना, टिंकी ने कहा था मिंकी को, मिंकी मिंकी आओ हम बाहर चले, पर अच्छा मिंकी कहता है नहीं मामा ने समझाया था ना भेड़िया आ जाएगा। अच्छा तो फिर जो टिंकी होता है ना वो बाहर निकल जाता है और मिंकी घर ही रहता है। अच्छा मिंकी समझ जाता है ना, मिंकी अच्छा बेबी होता है। अच्छा तो ना जब वो बाहर निकलता है ना टिंकी, तो ना वो भेड़िया सच्ची में आ जाता है। अच्छा दो भेड़िए, वो जो दोनों होते हैं ना वो उसको पकड़ के ले जाते हैं, वो जो घर आता है ना उसको नहीं पकड़ के लेके जाते, वो जो बाहर होता है उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो अच्छा जब वो उनके मामा आते हैं ना वो मिंकी से पूछती है, मिंकी मिंकी टिंकी किधर है, वो मिंकी सारी बात अपनी मामा को बताते हैं कैसे हुआ ऐसे हुआ। तो जब उनके मामा सुनती है ना वो फिर वो कहती है ऐसे ही हुआ बेटा, तो फिर वो कहता है हाँ मामा। तो फिर ना वो जो भेड़िया होता है ना वो उनके घर जाती है, तो फिर भेड़िया जाता है कि जाती है, सॉरी भेड़िया नहीं कैटो, वो दोनों होती है ना, कैटो जाती है वो अपने बच्चे को लेने के लिए। अच्छा वो जब जाती है ना वो ठक ठक करती है, पर भेड़िया नहीं दरवाजा खोलता। अच्छा क्यों? वैसे ही उसको पता होता है ना कि कैटू अपने बच्चे को लेने आई है। अच्छा वो उसको ना एक आइडिया आता है, वो ना लाइन को बुला के लाती है, तो फिर जब लाइन को बुला के लाती है ना तो फिर लाइन को बताती है कि ना भेड़िए ने मेरा बच्चा ले लिया। अच्छा तो फिर लाइन कहता है ठीक है मैं भेड़ियों को बोलता हूँ कि आपका बच्चा दे दे। अच्छा तो वो लाइन को साथ लेके जाती है, तो फिर क्या होता है वो भेड़ी वो लाइन ठक ठक करता है और कहता है हाँ, तो फिर भेड़ियों को आवाज आ जाती है, तो फिर वो खोलते हैं, तो फिर वो लाइन कहता है उसका बच्चा दे दो वरना मैं खा जाऊंगा। अच्छा तो फिर भेड़िए कहते हैं नहीं 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 नहीं,
तो फिर वो लाइन होता है ना, लाइन पे गुस्से से कहता है, तो फिर जो भेड़िया होता है ना वो दे देता है। तो फिर उनकी मामा कहती है, बच्चे आप क्यों मार गए थे? देखा है ना वो मिंकी भी मार गया था, मिंकी इतना अच्छा बच्चा है। वो गाड़ी रहता है। हाँ वो गाड़ी रहता है। अच्छा अब आपने भी अपनी और अब आपने भी मेरी बात मानी है और अपने पापा की बात मानी है, क्योंकि ये जब हम बाहर जाते हैं ना तो फिर हमें कोई पकड़ के ले जाता है, अच्छा तो लालसन होता है कि हमें बाहर नहीं कभी जाना चाहिए। अच्छा आप और नहीं सुनो? और सुना दो। कौन सी आप बता? और आप कोई भी सुना दो मुझे। शफड़ वाली सुना दे, चिड़िया और खोखो वाली सुना दे मुझे। चिड़िया कहती है आप भी दाना लेके आओ, ये वाली आती है आपको? भूल गई है। तो भूल गई है वो जो कहती है खिचड़ी बनाए हैं, दाल चावल बनाए? नहीं, याद? और शफड़ वाली सुना दे। शफड़ वाली मुझे याद, पापा पर सुना तो मुझे नहीं याद। अब मैं सुनाऊंगी आपको एलिफेंट वाली, ठीक है? अच्छा एक दिन की बात है, दो एलिफेंट और दो तीन उनके बेबी होते थे। एक लड़की होती थी, एक लड़का होता था, एक लड़की होती थी, ठीक है? वो दो तीनों छोटे बेबी होते थे, उनसे अच्छा चला नहीं जाता था। अच्छा वो तीनों से वो 1 ईयर ओल्ड थे ना? अच्छा 1 ईयर ओल्ड ही। वो जो एक लड़की होती है वो 2 ईयर ओल्ड होती है, लड़का होता है वो 3 ईयर ओल्ड होता है, जो एंड वाली लड़की होती है ना वो 6 ईयर ओल्ड होती है, ठीक है? उन दोनों से बड़ी। तो अच्छा पेड़ क्या होता है, एलिफेंट अपने बच्चों को कहते हैं, मामा पापा भी गार्ड होते हैं, वो मामा पापा कहते हैं, बच्चों बच्चों हम ना आपके लिए ना क्या लेने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं? हम आपके लिए ना पेंसिल रेजर लेने जा रहे हैं और बुक्स लेने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास नहीं है, आप भी आना हमारे साथ। तो वो कहते हैं, एक कहता है हाँ, एक लड़का कहता है नहीं, और सबसे बड़ी लड़की कहती है, वो भी कहती है नहीं, ठीक है? तो फिर वो जो लड़का, सबसे छोटी वाली लड़की होती है ना वो मामा के साथ जाती है, और वो जो 3 और 6 ईयर ओल्ड वाले होते हैं ना बच्चे, वो घर रहते हैं, ठीक है? अच्छा तो वो जो 3 ईयर ओल्ड वाला बच्चा होता है ना वो पता क्या करता है, वो ना वो बड़ी बच्ची उनका नाम होता है टिंकी मिंकी और पिंकी पिंकी, ठीक है? अच्छा ठीक है। तो फिर वो लड़का, लड़का का नाम होता है मिंकी ना? अच्छा हाँ लड़का। ये तो आपने आगे भी नहीं मुझे सुनाई। नहीं वो कोई और है, ये कोई और है। वो जो मिंकी है ना वो कहता है, आओ हम नहीं आओ हम भी कहीं चले जाए, नहीं हम भी कहीं दुकान पे चले जाए या चीज लेने के लिए। वो जो बड़ी होती है ना वो बहुत बहुत समझदार होती है, और वो जो छोटा होता है ना वो नहीं होता। तो वो छोटा कहता है कि मिंकी मिंकी आओ हम चीज लेने चले, पर मिंकी कहती है नहीं आप जाओ। तो फिर वो जब छोटा जाता है ना तो फिर ना दुकान पे ना 3 अंकल होते हैं, वो कहते हैं अंकल अंकल लेस दे दे। जब वो देते हैं ना तो जब वो जो आ रहा होता है ना, एक चील चील है ना वो देख रही होती है कि ना ये एक बच्चा जा रहा है तो मैं इसको खा ना। तो अच्छा तो वो चील चील क्या करती है, वो तेजी से ऐसे भाग रहा होता है ना, पर चील उससे ज्यादा तेज होती है। अच्छा वो जो होता है ना
वो नीचे जाके उसको पकड़ लेती है, फिर अपने घर ले लेती है, ले जाती है। जो उसके बीवी और हस्बैंड और बीवी होती है वो ना खाने की कोशिश कर कहते हैं और इसको खाए और उसको खाए, तो फिर जब वो ऐसे कहते हैं ना वो खाने लगते हैं, तो फिर वो जो होता है ना छोटा वो कहता है मैंने ऐसे क्यों कर दिया, ये तो मुझे खाने लग गया। तो फिर वो कहता है ना खाओ ना खाओ, पर वो जो चील होती है ना वो नहीं बात पाती। अच्छा। तो ना उसको एक आइडिया आया आता है चील को। अच्छा। चील के अंदर उसको एक आइडिया आता है, वो जो छोटे बच्चे को, छोटे बच्चा ना पता क्या करता है, छोटा बच्चा ना कहता है ना वो दूर चला जाता हूँ पापा के पास, तो फिर पापा से मैं बच के रहूंगा। उसको अपने मामा का पता नहीं होता, तो फिर वो क्या करता है कि ये और जगह पे चले जाता है। तो फिर चील वहाँ पे भी आ जाती है, चील उसको खा लेती है। तो फिर क्या होता है जब खाती है ना, तो फिर खाती है ना जब, तो फिर क्या होता है अब उनके मामा घर आ जाते हैं, बड़ी को कहती है उनके मामा पापा और छोटे आ जाते हैं, वो सारे पूछते हैं पिंकी किधर है। अच्छा। वो कहती है उसको पता नहीं है पापा कुछ, वो अच्छा। कहती है मुझे नहीं पता। तो फिर ना छोटी बच्ची को ना 2 ईयर ओल्ड बच्ची को ना एक आइडिया आता है, वो कहती है अच्छी पापा पापा ये तो नहीं हो गया ऊपर से चील आ रही है और वो 3 ईयर ओल्ड बच्चे को ले गई है। तो वो मामा पापा कहते हैं शायद ऐसे ही होगा, देखते हैं। तो फिर ना चील ना नजर आती है, वो उड़ रही होती है बच्चे के साथ। तो ना वो ऊपर देखती है, मामा ऊपर देखते हैं, पापा को भी कहती है ऊपर देखो ऊपर देखो। तो फिर ना वो जो चील होती है वो जो मामा पापा होते हैं ना उनको पकड़ा नहीं जाता होता। अच्छा। वो जो चील होती है ना वो देती नहीं है, ठीक है। अच्छा। एक ना बहुत अच्छी बर्ड होती है, वो मामा पापा कहते हैं प्लीज हमें अपने बच्चे के पास छोड़ आओगी। तो फिर वो बर्ड कहती है ठीक है। तो फिर जब वो ऊपर आती है ना वो ऐसे पकड़ती है अपने बेबी को, तो फिर कहती है बच्चे आप क्यों भाग गए थे, बड़ी बच्ची नहीं गई थी, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी बेबी है। और आप जो स्मार्ट बेबी होते हैं वो अच्छे होते हैं? हाँ, जो स्मार्ट बेबी होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। इसलिए आते ना अब अपने पापा पापा की बात पानी है। एंड ऑफ द स्टोरी लेसन होता है कि हमें